आसिम रियाज के फैंस के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आसिम रियाज ने आज बीबीसी एशियन नेटवर्क को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने खुलकर बात की कि आगे वो क्या करने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने बताए हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आसिम रियाज क्या करेंगे, अब उनके पास क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे पहले मैंने आपको एक एक्सक्लूसिव खबर दी थी, हमने हिमांशु का इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि वो और आसिम रियाज म्यूजिक वीडियो करने वाले हैं। ये बात कंफर्म है कि वो करने वाले हैं, आसिम रियाज ने भी ये बात बोल दी है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर, आसिम रियाज क्या फिल्म करने वाले हैं। दरअसल ये तो आप जानते ही हैं कि सलमान खान को टैलेंट को परखना आता है और वो नए नए टैलेंट को हमेशा लॉन्च करते रहते हैं। उन्होंने आसिम रियाज के लिए एक फिल्म सोच रखी है। जी हाँ, ये खुद आसिम रियाज ने बताया। उन्होंने बताया कि सलमान खान ने एक फिल्म का जिक्र जो है उनके पिता यानी कि रियाज अहमद चौधरी को किया और उन्होंने बताया कि उस फिल्म के बारे में जो है वो सोच रहे हैं। तो आसिम को लगता है, उनका ये कहना है कि वो फिल्म जो है सलमान खान चाहते हैं कि वो करें, लेकिन उसमें थोड़ा समय है, उससे पहले जो है इन्हें कुछ मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होना होगा, अपने डिक्शन पर अपनी भाषा पर काम करना होगा और उसके बाद जो है वो फिल्म उन्हें मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं फिनाले के दिन जब सभी के सभी वहां पर थे, बिग बॉस फिनाले के बाद जो है सलमान खान ने खुद आसिम के पिता के पास जाकर इस बात का जिक्र किया है और इस बात का खुलासा अब खुद आसिम रियाज ने किया है। इसके अलावा जो है वो और जो प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं वीडियो शूट करने, और जो उन्होंने गाना लिखा है बिल्ट इन पेन उसका जो है म्यूजिक देंगे बोहेमिया, और उसी का म्यूजिक वीडियो जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाकर शूट करने वाले हैं। इतना ही नहीं, वो जैकलिन के साथ भी एक म्यूजिक वीडियो करने वाले हैं और उसके लिए जो है उनकी बातचीत चल रही है। रोज किला के साथ जो है उन्होंने कल लाइव चैट करके ये बात कही कि हम म्यूजिक वीडियो करेंगे। आसिम ने बोला कि वो फिल्म तो आने वाली है मेरे पास, उसके लिए मुझे थोड़ा प्रिपरेशन करना है, लेकिन उससे पहले जो है मैं अपने इन म्यूजिक वीडियो पर ध्यान दूंगा, इस पे पहले मेहनत करूंगा और जब वो फिल्म आएगी तब तक मैं अपने आप को उसके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो ये तो आप जानते ही हैं कि सलमान जिसको भी ब्रेक देते हैं उससे पहले जो है वो चाहते हैं कि वो अच्छे से ट्रेन हो जाए, लेकिन उस फिल्म का जिक्र जो है सलमान खान ने कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया है कि आसिम रियाज करण जौहर की कोई फिल्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि सलमान खान जो है उनको लॉन्च करने की तैयारी में जुट चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे लगता है ये आसिम के फैंस के लिए जो उनको चाहते हैं उनको प्यार करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।